आजा तू बैठ जा साइकिल पे आजा तू बैठ जा साइकिल पे आजा तू बैठ जा साइकिल पे आजा तू बैठ जा साइकिल पे। अनजानी है डगर डगर अनजाने रास्ते लाया हूँ मैं दिल की हुई मां मैं मर गई मैं मर गया। धूप में निकला न करो रूप की रानी गोरा रंग काला न पड़ जाए। ये कम खत मेरे पीछे पड़ा है पहले से ही देख लो इसकी खबर मैं लूंगी। बसते जरा आँख गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा तौबा खुदा खैर करे खूब है करिश्मा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा मेरी साइकिल में सीट खाली है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आप औरतों का बहुत ख्याल रखते हैं। जी मैडम आखिर मैडम तुम कहाँ जा रही हो आपकी मदद कर दूँ? नहीं नहीं मैं पैदल ही घर चली जाऊंगी। मैं भी घर जा रहा हूँ तुम भी घर जा रही हो तो ठीक है मैं कहाँ बैठूँ? इसमें पूछने की क्या बात है बैठ मेरे अगले डंडे में। कहीं तुम पागल हो तो समझ से बोला करो। हाँ हाँ बैठ मेरे डंडे में घर छोड़ दूंगा। अम्मी मेरे पैरों में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है जरा मेरे पैर दबा दो पिंडली दबा दो। दिया को 6 महीने हो गए हैं अभी तक नहीं आया है। झूठ बोलता है आ जाऊंगा कल आऊंगा आता नहीं है। कपड़ा डाल लेगी तेरी जीव भलाई है कितनी भी गर्मी हो तू भागता रहे। हाय अल्लाह मेरी तो किस्मत ही फूट गई इससे तो कुआरी भली थी। अम्मी तू भी बहुत देर से दबा रही है या थोड़ी देर तू भी आराम कर ले। बाजी बाजी दवा लिया दवा पी लो बाजी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आने तो दूल्हे भाई को मैं खूब डंडों से मारूंगा और रस्सी से बांधूंगा। ओए मेरे अब्बू को मारेगा तेरे बाप की ऐसी की तैसी तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। ओए तू क्या मारेगा मैं तेरे उल्टा हाथ तोड़ दूंगा। अरे इस मुल्ला जी को क्या हो गया
भैया तेज गर्मी से चक्कर आ गए होंगे। जल्दी जाओ भाई डॉक्टर को ला के लाओ यार, हालत खराब है। हाँ क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब मेरे बदन में बहुत खुजली हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। बेफिक्र रहे, मैं खुजली का बादशाह हूँ और तेरी बीमारी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इस बैंगन को मल लेना, खुजली दूर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है ठीक है। मैं मनुष, क्या तू यही जगह रह गई थी मरने को? एक मुल्ला त्राय पर बीमार है, तुरंत अभी चलना है। चलो तो चलो, बैठ मेरी पिट्टी पे। बेटा आज मेरा दिल कह रहा है तेरा बाप जरूर आएगा। मेरा दिल बार बार उसे पुकार रहा है। इसकी तो नब्ज बहुत डाउन है, तो टेम्परेचर बहुत नीचे गिरता जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। इसके इंजेक्शन लगेगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पकड़ो पकड़ो भाग गया, मेरे पैसे कौन देगा? हाय अल्लाह, आए देखिए बाहर कौन कुत्ता भौंक रहा है, बार बार कुंडी बजा रहा है। बाजी दूल्हा भाई आ गए। सच? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने बाजी का खूब इलाज करवाया, आप तुम करवाओ। चलो 50,000 रुपए लग गया, मैं कराऊंगा इलाज। जी मैं तो 50,000 रुपए का, वो 50,000 कहाँ से लाऊंगा? तेरा मर जा रही है, चल मर जा। नमस्ते भाभी, बात ना खाऊंगा, मैं लेकर मैं ले जाऊंगा। आज कैसा दिन निकला है, कोई ग्राहक सुबह से अभी तक नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाई साहब, आप ठीक ठाक हैं? ये बात बाद में बताऊंगा, पहले तुम गले मिल लो। अब तो बता दे सब ठीक है। मेरी बेटा 6 महीने में 4-5 में पड़ी है, बहुत बीमार है। कोई ऐसी दवा दे दो जो अल्लाह को प्यारी हो जाए वो। अल्लाह और बिना कुमत अपनी बेगम के लिए कैसी दवाई मांगे कि बेगम मेरी खत्म हो जाए? लोग बात तो अपनी बेगम को ठीक होने की दुआ मांगते हैं, और तुम मरने की दुआ मांगते हो। अगर कहीं ये बेवकूफ तो नहीं है, मैं इसे ऐसी दवाई दूंगा जो इसकी बेगम ठीक हो जाए। ठीक है, मैं 1 महीने की दवाई देता हूँ, तुम्हारी बेगम अल्लाह को प्यारी हो जाएगी, किसी को शक भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब दवा दे दो। असलम भाई फल क्या भाव दिए हैं? 100 रुपए किलो।
पैसा दे दो, मेरी बेगम बीमार है। पैसे कौन देगा? तुम दोगे तुम्हारा बाप? मेरी बेगम ठीक हो गई, 100 बदले 300 दूंगा, मुझे उधार चाहिए। ठीक है, मैं तेरी बात रख ली। दंगल कुश्ती होने जा रही है, 151,000 रुपए इनाम बतौर दिए जाएंगे। लड़िया तेरा ही वादा, कुश्ती जरूर लड़ूंगा। सुनो सुनो, एक जरूरी ऐलान सुनो, आपके गांव में आज दंगल कुश्ती होने जा रही है, जिसमें हरियाणा के मशहूर पहलवान चवन्नी सिंह आ रहे हैं। जो कोई इस चवन्नी सिंह पहलवान को हराएगा उसे 151,000 रुपए इनाम बतौर दिए जाएंगे। ये मशहूर पहलवान है, जो इन्हें कुश्ती में हराएगा उनको 151,000 प्रदान किया जाएगा। है कोई ऐसा पहलवान जो इनसे मुकाबला कर सके? ठीक है। देखिए भाइयों, ये हमारे गांव के दामाद हैं, अल्लाह दिया ये इस पहलवान से कुश्ती लड़ेंगे जो हरियाणा से आए हुए। हम इन दोनों पहलवानों से सहमत हैं। कुश्ती 10 मिनट। पहलवान को चित कर दिया है, इसलिए अल्लाह दिया को 151,000 का इनाम दिया जाता है। ठीक है, बढ़िया रहा मामला।